और दिल्ली में शुरुआत वीकेंड कर्फ्यू, सोमवार की सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान ऑडिटोरियम, जिम, मॉल, स्पा बंद, बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोक लगी है। नियमों का पालन ना करने वालों पर डीडीएमए के तहत कार्रवाई होगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार को यहां पर 19,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 141 की इस महामारी से मौत हो गई है। लोगों की जान पर भारी पड़ रहे कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो इस दौरान ऑडिटोरियम, जिम, मॉल सभी चीजें बंद रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा पाएंगे, लेकिन वहां से घर के लिए खाने की डिलीवरी जरूर करा सकते हैं। जो शख्स वीकेंड कर्फ्यू को लेकर दिए गए आदेशों का पालन नहीं करेगा, उन पर डीडीएमए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चिराग, फिलहाल किस तरह की तस्वीर आज दिल्ली में देखने को मिल रही है? कल रात से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है, आज फिलहाल क्या कुछ स्थितियां हैं? देखिए, मैं तस्वीरों से शुरुआत करता हूँ, अपने कैमरामैन कमल से बोलता हूँ पूरी तस्वीर दिखाएं। ये आप देखिए, जहाँ जहाँ नजर जा रही है वो जगह खाली है, नहीं तो ये रोड पूरी बिजीएस्ट रहती थी। दिल्ली का सीलमपुर इलाका है, यहाँ पर काफी जो है ह्यूज ट्रैफिक रहता था हमेशा, लेकिन आज आप देखिए हालात बिल्कुल इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहा है। हालांकि कुछ वाहन जो है वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े वो जरूर आपको दिख रहे होंगे, कुछ ट्रक्स नजर आ रहे होंगे जो जा रहे हैं। तो ये हालात फिलहाल राजधानी में बने हुए हैं, यानी कि जो वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार, ये आप देख सकते हैं जनतंत्र टीवी पर किस तरह से जो तमाम सड़कों की हम हालात दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये सड़क जो है ये काफ़ी बिजनेस रोड रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल स्थिति कुछ अलग अलग है। तो ये हालात दिल्ली की अमूमन सभी जगहों पर बने हुए हैं। तो ये कहा जाए कि अब 2 दिन इसी तरह के हालात देखने को मिलेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बैठक का दौर तो लगातार चल ही रहा है, केसेस लगातार, जो फिगर आई है जो हम 19,000 के आसपास बता रहे हैं वो कल रात की फिगर है, जिसमें कि ये भी पता चला है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उसमें। तो ये फिगर्स तो रात में अपडेट हो ही जाएंगी, बैठकों का दौर भी चल ही रहा है। लेकिन जो तस्वीर दिखाना मैं चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, ये वो तस्वीर है जो अब काफ़ी दिनों के बाद नज़र आई, क्योंकि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था मार्च के बाद, उसके बाद ये तस्वीरें जो है आम हो गई थी राजधानी में, लेकिन अब ये तस्वीर दोबारा राजधानी में दिखाई दे रही है कि जहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आप देखिए बिल्कुल इक्का दुक्का वाहन ही नज़र आ रहा है। सुबह के 11 बज चुके, नहीं तो यहाँ पर तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता था कि जिसका कुछ कोई बात ही नहीं। तो ये हालात फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम दिल्ली के तमाम इलाकों में आगे भी अभी जाएंगे, आपको लाइव वहाँ से तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह के वहाँ के हालात हैं। अमूमन यही हालात हर एक जगह के बने हुए हैं जहाँ पर डीडीएमए की गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कल साफ कह दिया था कि अगर फॉलो नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। केसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। जहाँ तक बात है बेड्स की संख्या, वो मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि ऐप्स को अपडेट करेंगे, ये तमाम चीज़ें कि जो एक्चुअल फिगर है वो नज़र आनी चाहिए, जो ऐप में फिगर है, जो ग्राउंड रियलिटी है और जो अस्पताल की सिचुएशन वो नज़र आनी चाहिए। लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है लोग बेड्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर लीजिए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, बेड्स नहीं है लोगों के पास, बेड्स नहीं है अस्पताल प्रशासन के पास। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बेड्स नहीं है, और यही वजह है कि बेड्स नहीं होने की वजह से कई लोगों की मौत हुई। कल का एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे जानकार थे जो आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगातार सुबह से कम थी, लेकिन उनको वेंटिलेटर नहीं प्रोवाइड किया गया। अब ऐसे में ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? वेंटिलेटर, उनके परिवार वाले सुबह से लगातार फोन कर रहे थे, चूंकि डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता है नहीं है। उनकी जो पल्स थी वो 40 के आसपास थी सुबह, और देर रात उनकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वेंटिलेटर की सुविधा है वो उन पेशेंट्स को नहीं मिली। तो ऐसे तमाम केसेस और ऐसे तमाम पेशेंट्स जो है वो जूझ रहे हैं। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कई जगहों से अलग अलग कि यहाँ पर एडमिट करा दीजिए, यहाँ पर एडमिट करा दीजिए, लेकिन अभी फिलहाल परिस्थिति ये है कि एडमिट होने की स्थिति ही नहीं है। जहाँ भी हम जिनसे भी पैरवी कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि 40 से 50 लोगों की वेटिंग है, यानी कि हालात ख़राब हैं। थोड़ा संयम से काम लेने की ज़रूरत है। अगर हल्का फुल्का माइल्ड ही कोरोना है तो घर पर ही रहिए, आइसोलेट करिए अपने आप को, सरकार की भी मदद कीजिए। ऐसा नहीं है कि सरकार की ही सिर्फ जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ें करने की, ये सब तमाम जिम्मेदारी हर एक शख्स की है। ऐसे में जो पैनिक स्थिति फैली हुई है, कई लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टिव हैं कि हमें एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वो सिलेक्टिव ना हो, जो पैंडेमिक है उससे थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए कि कोऑपरेट करें। और ये जो 2 दिन है,
अभी जो बैठकें हो रही हैं वो अलग है और इसमें कोई लॉकडाउन का भी कोई चर्चा नहीं हो रही। वजह साफ है, सिर्फ इसमें चर्चा एक चीज़ की हो रही है कि जो बेड्स अवेलेबल है, जो लोगों को बेड्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जिनकी क्रिटिकल सिचुएशन है उनको आईसीयू बेड में शिफ्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उनको वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। ये बैठकें अब रोज चलेंगी, लगातार चलेंगी। सवाल ये नहीं है, सवाल यही है कि इस पूरे मसले को लेकर कि किस तरह की आगे रणनीति आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ये दो दिन का रिकॉर्ड जो आएगा, यानी कि जो आज की फिगर है वो कल आएंगी, संडे को जो फिगर आएंगी वो सैटरडे की आएंगी, किस तरह का वीकेंड जो लॉकडाउन हुआ उसका क्या असर पड़ा। अगर असर अच्छा पड़ता है तो ऑब्वियसली इसको एक्सटेंड किया जाएगा, और अगर असर लगता है कि उतने ही केसेस आ रहे हैं उतनी कैपेसिटी से आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली लॉकडाउन की तरफ इशारा होगा। लेकिन अभी ऐसी हालात नज़र नहीं आ रहे लॉकडाउन वाले, क्योंकि ये है कि वीकेंड कर्फ्यू को शायद एक्सटेंड और 3 दिन के लिए किया जाए हफ्ते में, तो ये परिस्थिति सरकार कर सकती है। लेकिन पूरी तरह से शटडाउन का अभी कोई मूड नहीं है सरकार का, और ना ही कोई आंकड़े इस तरह के बयां कर रहे हैं कि अब करना ही चाहिए। तो ये फिलहाल स्थिति जो है बनी हुई है राजधानी की। एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से इक्का दुक्का वाहन यहाँ पर नजर आ रहा है, और आप देखिए जो सड़क है बिल्कुल खाली सड़क है। ये वही हालात, ये देखिए आप इमरजेंसी सर्विसेज से संबंधित ये वीकेंड कर्फ्यू पर ये जो बसेज हैं जो स्टाफ को लेकर जा रही हैं वो बसेज हैं। तो ऐसी परिस्थिति जो है फिलहाल यहाँ पर राजधानी में बनी हुई है, यानी कि ये साफ है कि वीकेंड कर्फ्यू में पुलिस भी गश्त कर रही है, और कहीं ना कहीं कोरोना का असर तो है ही। लेकिन जहाँ तक मैंने बताया और जहाँ तक हमारी एक्सपर्ट से भी बात हो रही है, डॉक्टर से भी बात हो रही है, कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सब चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली और ज़्यादा पैनिक होगा। बहुत ही काम माइंड से, कूल माइंड से इसको डील करने की ज़रूरत है। अगर हल्के फुल्के सिम्टम है, क्योंकि वायरल भी इन दिनों चल रहा है, तो ऐसे में जितना हो सके इसको बहुत ही लाइटली और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जो है इसको ट्रीट करें। और अगर हल्का फुल्का आपको जुकाम है, खांसी, आप घर में आइसोलेट करें अपने आप को, और दवाइयाँ खाते रहें, नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तभी अस्पताल जाएं। और अस्पताल की सारी डिटेल्स जो है, अब तो नोडल अधिकारी खुद चीफ ने डिप्टी सीएम को बनाया गया, हर एक हॉस्पिटल पर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर को नोडल अधिकारी बना दिया गया। यानी साफ है कि जो सरकार की तरफ से कवायद है वो लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी संभल के रहने की और बच के रहने की खास आवश्यकता है। चलिए चिरागुटी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लगातार दिल्ली की जो सड़कें हैं वो आज से जो वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है उसको देखते हुए खाली है, बस जरूरी चीजों के लिए, जिनको जरूरी काम है वही लोग बाहर आ रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.